छात्रों, अभी हमारे संविधान वाले पाठ में जो पहला पाठ था कक्षा 11वीं में, उसमें से कुछ प्रश्न और भी जो महत्वपूर्ण है, तो वो प्रश्न आपको हम बताए जा रहे हैं। तो आप प्रश्न ध्यान से देखेंगे और अब जब आप पूरा लेसन पढ़ते हैं तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देते बनेंगे। और यदि आपने जो लेसन अच्छे से पढ़ा है तो ये प्रश्न बहुत सरल है। तो प्रश्न है कि जो हमारा भारतीय संविधान बना उसके बारे में हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, तो ये उनके निष्कर्ष की पुष्टि में आप दो उदाहरण दीजिए। पहला था, संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उसके लिए जनता के मन में आदर था। मतलब जब हमारा भारत संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा हुआ और उस जिन नेताओं ने बनाया है वो विश्वास के योग्य थे कि नहीं, उनके लिए जनता के मन में आदर था, क्या जनता उनको पसंद करती थी। तो जब आपने पाठ पढ़ा है तो आप उत्तर लिख सकते हो कि हाँ, जो संविधान जिन्होंने बनाया वो बहुत ही अधिक प्रतिभाशाली और विद्वान थे। तो हम उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमारे संविधान शिल्पी अत्यधिक विद्वान थे। भारतीय संविधान सभा के जैसे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी हमारे संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और संविधान सभा के अध्यक्ष बने। और उसके बाद जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो भारतीय गणतंत्र के ये पहले राष्ट्रपति भी बने। तो इस प्रकार ये हम देख सकते हैं कि संविधान में जिन व्यक्तियों ने भाग लिया वो बहुत ही विद्वान थे। दो दो उदाहरण देना है, तो एक हमने दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए कि हमारे स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो संविधान सभा, जो संविधान बना वो एक संविधान सभा के द्वारा बना गया और उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं, हमारे संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, हमने पहले के आंसर में आपको उद्देश्य प्रस्ताव बतलाए थे। और उसके बाद जब हमारा स्वतंत्र भारत हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा और भी हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक प्रारूप समिति, बहुत सारी समितियां बनी गई थी 8 के करीब, उसमें थी एक ड्राफ्टिंग समिति, मतलब प्रारूप समिति, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। तो इस प्रकार हम प्रश्न राजनीति शास्त्र में इस प्रकार प्रश्न आएंगे। तो आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर आप दूसरे अन्य उदाहरण भी ले सकते हो और इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि उसमें उलट फेर मुश्किल है। संविधान बना तो उसने देश को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया और उनको कुछ अधिकार दिए गए, शक्तियां दी गई। तो और इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से विभाजित किया गया और कोई भी एक संस्था अपने बल पर संविधानिक ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। मतलब उसके लिए हमें बहुमत चाहिए। सब जितनी भी ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये अपने अपने कार्य क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्र हैं। और तीन, और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका हमारे भारत देश में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि कोई उलट फेर करना है तो हमें संसद में बहुमत लिया जाता है, तब तो हम उलट फेर कर सकते हैं, आसानी से उलट फेर नहीं कर सकते। इसका हम दूसरा भी उदाहरण दे सकते हैं, संघ और इकाई राज्यों में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन 3 सूची में हुआ, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस प्रकार
बांट दिए गए हैं और इसमें भी परिवर्तन करना हो तो थोड़ा मुश्किल तो जाएगा, हम आसानी से उलटफेर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें वही संसद, थोड़ा सा कठिन प्रोसेस होगी, तब हम उसमें उसको चेंज कर सकते हैं समय स्थिति के अनुसार। तो ये हमारा एक प्रश्न था। अब हम एक और प्रश्न करेंगे कि संविधान जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र है, मतलब जनता की जो इच्छा थी उसी के अनुरूप संविधान बना है। तो हाँ, ये संविधान हमने समाज के विभिन्न वर्गों के व्यापक हितों के अनुरूप प्रावधान किए गए हैं। जैसे समाज में जो छुआछूत की भावना थी तो उसको अनुच्छेद 18 द्वारा, ये आप नंबर याद कर लें, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है कि किस अनुच्छेद क्रमांक द्वारा छुआछूत की प्रथा को क्या किया गया, बंद किया गया। वयस्क मताधिकार, ये कई मूलाधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से हमने जन साधारण जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार दूसरा दो, अपन को उसके लिए दो विकल्प देना है, दो उदाहरण देना है। तो एक ये दिया, दूसरा संविधान में जनता के कल्याण के को पर्याप्त महत्व दिया गया और आधारभूत सिद्धांत का परिपालन किया गया, मतलब लोकतंत्र में हमने जनता को ही ध्यान में रखा। तो इस प्रकार ये प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। फिर है एक प्रश्न और है, ये प्रश्न आपके उत्तर छोटे छोटे ही आएंगे परीक्षा में, आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा। ये एक तर्क वाला प्रश्न है कि किसी देश के लिए संविधान में, कोई भी देश का संविधान बनता है और यदि उसमें शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण करना क्यों जरूरी है, यदि ये निर्धारण हम ना करें तो क्या होगा। ये आपकी कल्पना शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। संविधान क्या है? हमारे शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियमों का संग्रह है। यदि उसमें कुछ नियमों में नहीं लिखा है तो क्या होगा कि देश में अराजकता फैल जाएगी और लोग अपने अपने मतों को हावी करेंगे और इससे एक तानाशाही जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें ये शक्तियों जिम्मेदारियों का निर्धारण करना जरूरी है। तो ये इसलिए है कि हमारा शासन, देश की शासन व्यवस्था अच्छे से चल सके। यदि किसी देश के संविधान में शक्तियों जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण नहीं किया जाएगा तो संघ, केंद्र और उसकी इकाइयों में सदैव मतभेद एवं गतिरोध की प्रबल, मतलब आपस में लड़ाइयां होने की संभावना रहेंगी। आप आज के लिए इतने ही हैं, आप इस प्रकार दो दो तीन तीन प्रश्न रोज पढ़ते जाइए और अपने पढ़ने के बाद आप अपने विचारों को अच्छे से उत्तर के रूप में लिखें। धन्यवाद।